Hi everyone, welcome back to the channel guys. So guys, today we're gonna talk about one stop solution to cover the previous year questions of SSC. Before that, we should discuss the importance of previous year questions in SSC exams. तो SSC exams में अगर हम subject wise बात करें कि previous year questions का क्या role होता है, तो सबसे पहले हम लोग English की बात करते हैं, तो 80-90% क्या होता है, जो previous year questions में आ चुके हैं या latest जो आ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा questions important होते हैं. तो अगर आप English के लिए previous year क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत है विथ अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर पोर्शन. तो अगर हम बात करें अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती. जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं इन मिसिंग नंबर्स और वी कैन से सीरीज में, कैलेंडर में, कोडिंग डिकोडिंग में, तो अगर ये आप सारे कर लेते हो तो आपका कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ठीक है, अगर हम बात करें अब क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में भी जो क्वेश्चन के टाइप हैं वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होते हैं. तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स. ओके, अगर अब हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में 60-70% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो कह सकते हैं सिग्निफिकेंट रहते हैं. अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 60-70% जो क्वेश्चन हैं उन्हीं से आने वाले हैं. ठीक है, तो अब हमें समझ आ चुका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो देन यू कांट थिंक अबाउट क्रैकिंग एसएससी एग्जाम्स. तो अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कंप्लीट करना है हमें. तो गाइज़, वैसे तो आप पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले सकते हो, लेट इट बी पिनाकल और ब्लैक बुक. ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी ले सकते हो. बट आई विल सजेस्ट यू वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कवरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स. तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक पीडीएफ कोर्स. ये पीडीएफ कोर्स है शुभम सर का. तो शुभम सर आरबीई चैनल के फाउंडर हैं. तो आरबीई चैनल अब क्या है, तो रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन. तो आपने कभी ना कभी शुभम सर की क्लास या फिर उनके एनालिसिस वीडियो आपने देखी होगी. ठीक है, तो बहुत ही जेन्युइन टीचर हैं वो, एंड उनका कंटेंट भी बहुत 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 अच्छा है. तो उनके एप्लीकेशन पर, आरबीई एक एप्लीकेशन है, तो आप वहां से जा करके ये पीडीएफ कोर्स परचेस कर सकते हो. एंड बहुत ही कम प्राइस में है ये, तो 199 में है. तो 199 में यू कैन थिंक दैट अगर आप पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेने जाओगे देन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको. बट अगर इफ़ यू टेक दिस पीडीएफ कोर्स तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस. तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ देन आई हैव ऑल्सो यूज दिस पीडीएफ कोर्स, बट मुझे बहुत टाइम के बाद ये पता चला, तो बहुत अच्छे से मैं इसका आउटपुट नहीं ले सकी. बट आई जस्ट वॉन्टेड कि आप लोग इस चीज़ को जानो. जितने भी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, आई जस्ट वॉन्ट देम टू नो कि इतना अच्छा एक पीडीएफ कोर्स है जिसमें कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग जाओ पढ़ाई करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक. ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल देना चाहिए. बाय बाय, टेक केयर.